नमस्कार, आप देख रहे हैं आठभट न्यूज फॉर पटना सिटी से है। केंद्र सरकार के द्वारा रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, नेशनल हाईवे एवं सरकारी संस्थानों को बेचे जाने के विरोध में राजद नेताओं ने बुधवार को पटना सिटी के गायघाट के समीप धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से तमाम राजद कार्यकर्ता समेत पूर्वी मंत्री व राजद नेता श्याम रजक भी मौजूद रहे, जहां उनका कहना था कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सरकार निजी संपत्तियों को अंबानी और अडानी के हाथों में बेच दिया है और देश में करीब 15 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई हैं और प्रधानमंत्री नौकरी देने की बात करते हैं। आज राजद पार्टी द्वारा सरकारी संपत्ति बेचे जाने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया और आगे भी सरकारी संपत्ति बचाने को लेकर राजद पार्टी जन आंदोलन करने का काम करेगी। तो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से देश को बेचने का या LIC हो, एयरपोर्ट हो, रेलवे हो, तमाम जो सरकारी संस्थाएं हैं इनको बेचने का काम कर रही है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी के चुनाव से पहले रोजगारी की बात करती थी, बेरोजगारी दूर होने की बात करती थी, महंगाई को कंट्रोल करने की बात करती थी, सारे मुद्दे उनके खत्म हो रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री और जो चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री ने अपने आदत के अनुसार देश को बेचने में अपने आप को लग गए। आज देश में सारी जो निजी संपत्ति रही, सरकार की जो संपत्ति रही, सारे संपत्ति को इसने बड़े जो इनके जो मित्र हैं अंबानी और अडानी जैसे लोगों के हाथ में बेच देने का काम किया। आज लोगों की 15 करोड़ से ज़्यादा लोगों की नौकरी चली गई है और ये नौकरी की बात करते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइप योजना लागू किया है और जिसमें देश की रेलवे हो, चाहे वो आपके जो भी संपत्तियां हैं इंडियन भाई लोग, सभी को इसने बेचने के लिए अपनी योजना बना दी। कहती है सरकार बड़े विदाई के साथ जब बेच नहीं रहे इसको हम लीज पर दे रहे हैं। जब लीज पर दे रहे हैं तो उनकी अपनी नीति हो। लीज पर का मतलब क्या हुआ? 100 साल के लिए आप लीज पर दे देंगे, जो कि नौकरी बंद हो गई, सारी सरकारी नौकरी बंद और देश की जनता को महंगाई की मार से लेगी। जो निजी कंपनियां आएंगी वो तो अपने अनुसार दाम तय करेगी। सभी चीज़ का दाम बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, सरकार की नींद नहीं टूटी है और सिर्फ जो उनके मित्र हैं अडानी और अंबानी उन्हीं के हाथों में देश को बेचने की काम। जनता ने चाय बेचने वाले को समर्थन दिया था, लेकिन ये नहीं जानते थे कि चाय बेचते बेचते देश को बेचने